बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة صدق الله العظيم। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 10 जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे और उन 10 में से एक जानवर गाय है। हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम की कौम बनी इसराइल में आमील नाम का एक शख्स था, उसका कत्ल हुआ तो लोगों में चर्चा हुई कि इसका पता चलना चाहिए कौन इसका कातिल है। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम से कहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ कि मूसा अपनी कौम से कहो कि वो एक गाय को ज़िबा करें और उस गाय को ज़िबा करने के बाद उसके गोश्त का एक टुकड़ा उस मुर्दे के लगाएं तो वो ज़िंदा होकर के ख़ुद बताएगा कि मेरा कातिल कौन है। तो ये पूरा वाकया है जो सूरह बकरा पारा नंबर 1 आयत नंबर 67 में है। तो ये गाय जन्नत में जाएगी। दूसरी मछली हूत, हज़रत यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम मूसल में अहले नैनवा की तरफ नबी बना करके भेजा और ये कौम तकरीबन 7 साल तक इस कौम के दरमियान हज़रत यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम मेहनत फरमाते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे लेकिन ये नाफरमानी करते रहे। तो हज़रत यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम अपनी तरफ से उनको अजाब की ख़बर दे कर के चले गए कि इतने वक्त तक तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा। हज़रत यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम तो बस्ती से निकल गए लेकिन हज़रत यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम के बस्ती से जाने के बाद जब लोगों ने देखा कि अजाब के आसार नज़र आ रहे हैं तो वो बस्ती छोड़ कर के बाहर निकले और बाहर निकल कर के उन्होंने तौबा किए, गुनाहों से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने अजाब से बचा लिया। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम आजमाइश में आ गए कि दरिया में एक मछली ने हज़रत यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम को खा लिया और इस मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम काफ़ी अरसे तक रहे। तो इस मछली के बारे में आता है कि ये मछली भी जन्नत में जाएगी। और ये पूरा वाकया सूरह साफ़ात पारा नंबर 23 आयत नंबर 142 में है। इसी तरीके से ये वाकया सूरह यूनुस पारा नंबर 11 और आयत नंबर 97 और 98 में भी है। और तीसरा जानवर अलकिबश, इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माईल की क़ुरबानी करो तो वो पूरा वाकया आपने सुना होगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्राहीम ज़िबा कर रहे थे, उनके गले पर छुरी चला रहे थे तो हज़रत इस्माईल की जगह एक मेंढा ज़िबा हो गया। ये भी पूरा वाकया पारा नंबर 23 सूरह साफ़ात आयत नंबर 107 में है। तो ये मेंढा भी जन्नत में जाएगा। और चौथे अल अजल, बछड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बेटे की खुशखबरी दी तो दो फरिश्ते अल्लाह ने आसमान से भेजे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ खुशखबरी देने के लिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए मेहमान नवाजी के तौर पर एक बछड़े को ज़िबह किया और उसको घी में भून करके उन फरिश्तों के सामने पेश किया। तो उन फरिश्तों ने कहा कि हम फरिश्ते हैं और हम तो आपको खुशखबरी देने के लिए आए हैं। और ये वाकया भी पारा नंबर 26 आयत नंबर 26 में ही है। तो ये बछड़ा भी जन्नत में जाएगा। पांचवे नमला, चींटी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर आ रहा था तो चींटियों में से एक चींटी ने कहा कि तुम अपने अपने बिलों में, अपने अपने सुराख में दाखिल हो जाओ। قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون। कि कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल न दे और पता भी न चले। तो इस चींटी की दूसरी चींटियों के साथ हमदर्दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान पाक में इस नाम से एक सूरत नाजिल फरमा दी जिसको सूरह नमल कहते हैं। और इस हमदर्दी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान पाक का हिस्सा बना दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब एक चींटी की हमदर्दी को इतना पसंद फरमाते हैं तो इंसानों की आपस में हमदर्दी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना पसंद फरमाता होगा। ये पूरा वाकया पारा नंबर 19 आयत नंबर 18 में है कि ये चींटी भी जन्नत में जाएगी। इसी तरीके से हुदहुद परिंदा, ये भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तमाम परिंदों पर, जानवरों पर, इंसानों पर बादशाहत अता फरमाई थी। तो ये हुदहुद परिंदा एक दिन मजलिस से गायब था तो ये एक औरत की जो
एक जगह रहती थी और वो बादशाहत करती थी। कौम सबा उस औरत की खबर लेकर के ये आया था परिंदा, तो इस परिंदे को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में जाने का इस परिंदे से वादा फरमाया। ये परिंदा भी जन्नत में जाएगा। और ये पूरा वाकया सूरह नमल आयत नंबर 20 और पारा नंबर 19 में है। इसी तरीके से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम को समझाते रहे, तो कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप वाकईतन नबी हैं तो आप हमें कोई निशानी दिखाइए। और वह निशानी ये कि आप सामने ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी की चट्टान से आप एक ग्याभन ऊँटनी निकाल करके दिखाइए जो बच्चा देने वाली ऊँटनी हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ पर उस पहाड़ी की चट्टान से एक ग्याभन ऊँटनी निकाल दी। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इस ऊँटनी को तुम लोग हाथ न लगाना, ये अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे चरे, जहाँ चाहे खाए पिए, तुम इसको हाथ मत लगाना। लेकिन इनकी कौम ने इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया था, तो ये ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी। ये पूरा वाकया भी सूरह आराफ पारा नंबर 8 आयत नंबर 73 में है। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। और नवा जानवर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, एक बस्ती से गुज़र रहे थे तो उस बस्ती के ऊपर अजाब आया था। वो बस्ती तबाह बर्बाद हुई पड़ी थी। औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा। उज़ैर अलैहिस्सलाम जब उस बस्ती के पास से गुज़रे तो कहने लगे अल्लाह ताला इनको कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वहीं मौत दी और वो तकरीबन वहाँ 100 साल तक मरे हुए पड़े रहे, फिर अल्लाह ने ज़िंदा किया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा भी वहीं मरा हुआ पड़ा था। और कुरान ऐलान करता है फंजुर इला हिमारी का वली नजअलक आयतल लिन्नास वंजुर इलल इज़ाम कैफ नुन्शिज़ुहा थुम्म नक्सुहा लहमा। तो ये जो पूरा वाकया है, ये पूरा वाकया सूरह बकरा पारा नंबर 3 आयत नंबर 259 में है। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा भी जन्नत में जाएगा। इसी तरीके से अस्हाब कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। अस्हाब कहफ ये चंद नौजवान थे जो बादशाह से अपना दीन बचाने की वजह से अपना शहर छोड़ करके निकल गए थे। जब ये शहर से निकल रहे थे तो एक कुत्ता इनके पीछे पीछे लग गया। और जहाँ बादशाह से बच करके ये एक गार में जा करके छुपे थे, तो ये कुत्ता भी उसी गार के मुंह पर अपनी बाहें, अपने पैर, हाथ पैर फैला करके बैठा रहा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको एक ज़माने तक वहाँ सुला करके रखा कि जब सूरज निकलता था तो वो दाएं होकर के इनके ऊपर से निकल जाता था, और जब शाम को गुरूब होता था तो बाएं होकर के निकल जाता था। एक ज़माने तक सोते रहे। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती रही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका लिबास जो पहने हुए थे वो भी अपना आप बढ़ता रहा। और फिर एक ज़माने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको उठाया। ये पूरा वाकया भी सूरह कहफ पारा नंबर 15 और आयत नंबर 18 में है। तो क़यामत का दिन होगा, ये जानवर जन्नत में जा रहे होंगे। अगर उस रोज़ गधे ने यह कह दिया, ए हज़रत इंसान, मैं गधा हो कर के कि अगर बेवकूफ़ी की मिसाल देनी होती थी तो लोग गधा नाम लेकर के बेवकूफ़ी की मिसाल देते थे, मैं गधा हो कर के तो जन्नत में जा रहा हूँ, और तुम हज़रत इंसान अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद भी जहन्नम में भेजे जा रहे हो, तुम कहाँ के अक्लमंद निकले। और आप गधे को छोड़िए, असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। अगर कुत्ते ने कह दिया कि मेरा नाम तो गाली था, मैं कुत्ता होने के बावजूद जन्नत में जा रहा हूँ, मैं अपने मालिक के घर की सूखी रोटी का एक टुकड़ा खा करके मालिक का दर नहीं छोड़ता था, मैं पूरे दिन और पूरी रात उसके घर का, उसके माल का पहरा दिया करता था, तुम हजरत इंसान अल्लाह की हजारों लाखों नेमतें खा करके अल्लाह का दर तुम्हें याद नहीं आता था, कभी तुम्हें अल्लाह की इतनी नेमतें खाने के बाद भी अल्लाह के सामने एक सजदा करने की तौफीक नहीं होती थी, रात के वक्त उठ करके दो रकात नमाज पढ़ने की तौफीक तुम्हें नहीं
नहीं होती थी तो रकात नमाज तुम नहीं पढ़ सकते थे, तुम कहाँ के अकलमंद निकले। हम जानवर होने के बाद जन्नत में जा रहे हैं और तुम हजरत इंसान होने के बावजूद अपने बुरे आमाल और बुरे करतूतों की वजह से जहन्नम में फेंके जा रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और जन्नत में हम सबको ठिकाना नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल फिर इसी वक्त एक ख़ास अमल लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। आखिर में दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।